हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। और आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पे 10वीं क्लास की तैयारी कराई जाती है यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम के अनुसार। कराई तो हिंदी मीडियम के अनुसार ही जाती है, लेकिन हम कई बार इंग्लिश वर्ड का भी यूज करते हैं, ताकि ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड का भी यूज करते हैं और हिंदी दोनों में बताते हैं, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम के भी छात्र है तो उन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने सब्जेक्ट टॉपिक पर और समझते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो हमें केमिस्ट्री में आज जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हिंदी में हम उपचयन तथा अपचयन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा है। इसको जो एग्जाम्पल होते हैं वो तो एग्ज़ाम में आने आपके पक्का है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो हर साल इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं उपचयन तथा अपचयन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, फिर हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है एग्जाम्पल होता है। अगर आप एग्जाम्पल समझ लिए तो आपको डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल समझ गए तो उसी को आप बना के डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है उपचयन। उपचयन को हम हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और देखते हैं आज हम कि ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन होता क्या है। तो हमारे पास उपचयन का पहले आप डेफिनेशन सुने, फिर मैं उसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ जब आप समझ पाएंगे। दोस्तों, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं उपचयन, और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ह्रास होता है उसको हम बोलते हैं अपचयन। मतलब सीधा आप इसको याद रखें कि जो उपचयन होता है उसमें प्लस ऑक्सीजन होता है, और जो अपचयन होता है उसमें माइनस ऑक्सीजन होता है। आप यही एक वर्ड याद रखें कि उपचयन में प्लस ऑक्सीजन होगा और अपचयन में माइनस ऑक्सीजन होगा। ये वर्ड आप याद रखें तो आप क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएंगे और इस डेफिनेशन को भी ईजिली समझ पाएंगे, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका, तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है पहला, हम उसमें समझते हैं कि उपचयन कहाँ पर हो रहा है और अपचयन कहाँ पर हो रहा है। तो पहले मैंने आपको बताया कि उपचयन होता क्या है। उपचयन में अभी मैंने आपको दिखाया कि उपचयन में प्लस ऑक्सीजन होता है। प्लस ऑक्सीजन मतलब कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अब हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है CuO प्लस H2 प्लस Cu। Cu यानी कि क्या? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कॉपर प्लस, ये हमारे पास जल बन गया, वाटर। अब आप मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो जिस भी पदार्थ में, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन दे रखा है इधर एरो के दाहिने साइड, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी पदार्थ में, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, प्लस ऑक्सीजन हो गया है यहाँ पर आके, तो उसका क्या हो गया है? उपचयन हो गया है। तो हमसे पूछेगा एग्ज़ाम में कि ये जो इक्वेशन है इसमें उपचयन किसका हुआ है, तो आप लिखेंगे उपचयन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का हुआ है। ठीक है, तो यही मैंने एरो से आप ऐसे दिखला देंगे एग्जाम में कि इसका क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इसका क्या हुआ? उपचयन हुआ। अब आपसे दूसरा चीज़ पूछेगा कि इसमें अपचयन किसका हुआ, अपचयन यानी कि रिडक्शन किसका हुआ है। तो यहाँ पे CuO दिख रहा है और इधर अब इस सिर्फ Cu बचा है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन को हटा दिया गया। अब जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। तो आप देख पा रहे होंगे कि Cu का क्या हो गया इधर आके? अपचयन। तो हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि Cu यहाँ आके अपचयन हो गया। तो यही आपका एग्जाम्पल था, और अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं अगले एग्जाम्पल में आपको फिर से समझाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास दे रखा है दूसरा इक्वेशन ZnO। ZnO क्या होता है? ये होता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये दे रखा है C यानी कि कार्बन। ये बन रहा है जिंक प्लस CO। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, मैं फिर से इसको समझाता हूँ। आपके पास दे रखा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें हमें पता करना है कि उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका उपचयन हुआ है। तो आप यहाँ पे कार्बन को देखिए, यहाँ पे कार्बन
यहाँ आने पे क्या हुआ है, प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन हो रहा है। तो जैसे ही प्लस ऑक्सीजन हुआ, प्लस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन हुआ। तो आप इसको आसानी से पहचान गए कि जहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई उसको बोलेंगे उपचयन। अब आप इस वाले को देखें, और यहाँ आया है जब ये, तो जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस ऑक्सीजन हो रहा है। माइनस ऑक्सीजन जब भी हो रहा है तो आप समझ गए कि ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए, जब ऑक्सीजन हट जाता है तो बोलते हैं अपचयन, ऑक्सीजन जुट जाता है तो बोलते हैं उपचयन। सिंपल भाषा में आप ऐसे ही याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। सिर्फ एग्जाम्पल समझना है हमें, सिर्फ एग्जाम्पल समझना है। आप एग्जाम्पल समझ गए तो ये थ्योरी को आसानी से समझ पाएंगे और एग्जाम में लिख पाएंगे। और साइंस में आप एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे आप देखते हैं MnO2, Mn को क्या बोलते हैं, Mn को बोलते हैं मैंगनीज। मैंगनीज को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं Mn। तो यहाँ पे आप देखेंगे MnO2 यहाँ पे जब आ रहा है तो MnCl2 बन जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का माइनस हो गया। और माइनस ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, माइनस ऑक्सीजन को बोलते हैं अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो आप ये समझ पा रहे होंगे यहाँ से। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ से यहाँ आइए तो आप देख पा रहे होंगे कि H जो है, हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन जुट गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन हो रहा है। प्लस ऑक्सीजन मतलब कि क्या हो गया, उपचयन हो गया। और उपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यही आपको समझना था। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया कि जो प्लस ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, जो माइनस ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन। इसी दो लाइन को आपको याद रखना है और आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, इसके डेफिनेशन भी लिख पाएंगे, किताब से भी पढ़ने में आपको काफ़ी सरल होगा, आसानी होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। उस समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ये जो आपने देखा है उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में एग्जाम्पल आएगा लिखने और रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन आएगा, या फिर एक आपके पिछले साल का जो पेपर है 2018 का उसमें पूछ रखा है कि रिडॉक्स जो रिएक्शन होता है उसका एग्जाम्पल लिखें। तो रिडॉक्स रिएक्शन का वही एग्जाम्पल होगा जो उपचयन और अपचयन का होता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन ही वही है, ऐसा रिएक्शन जिसमें उपचयन तथा अपचयन एक साथ हो रहा हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको अभी तक बताए हैं सारे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। तो रिडॉक्स रिएक्शन का कोई आपको एग्जाम्पल पूछे तो आप यही वाला एग्जाम्पल लिख देंगे, Cu+H2O। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल यही हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे तो कौन सा एग्जाम्पल लिखना है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला आपने पढ़ा है, यानी कि जो उपचयन और अपचयन वाला पढ़ा है, वही एग्जाम्पल आपका रिडॉक्स रिएक्शन का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जो पहला जो चैप्टर था मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, आप दो वीडियो में हमने आपको तीन वीडियो में पूरा आपका जो चैप्टर था पहला नंबर वो कंप्लीट करा दिया गया। अगर आप यकीन मानिए दोस्तों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन छूटे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप जितना यहाँ से पढ़ते हैं आप जाके अपने एक्सरसाइज NCERT में सॉल्व करने की कोशिश करें, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि जो भी क्वेश्चन था बैलेंस करने वाला, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन उपचयन अपचयन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है कि एग्जाम्पल में कैसे क्या हो रहा है, कैसे उसका यूज होगा। तो आपको समझने में इससे एग्जाम्पल से समझने में काफ़ी आसानी होती है, बच्चों को याद भी रहता है, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस एग्जाम्पल से किया है। और डेफिनेशन तो किताब में होता ही, और डेफिनेशन को भी समझाया। तो फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दोस्तों जहाँ भी ऑक्सीजन का जोर होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसको हम बोलेंगे उपचयन। एक तो होगा प्लस ऑक्सीजन, एक होगा माइनस ऑक्सीजन। आपको यही बस पता करना है कहाँ प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, कहाँ माइनस ऑक्सीजन। चलिए फिर से एग्जाम्पल को हम देखते हैं, CuO इधर जाके बन गया Cu, मतलब क्या हुआ, माइनस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे H2 यहाँ बन गया H2O, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ H2 था, यहाँ O लग गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन। तो इसी चीज़ को आपको पहचानना है। प्लस ऑक्सीजन समझते ही आपको क्या समझना है कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन देखते हैं, आपको क्या समझ जाना है, इसको समझ जाना है कि ये रिडक्शन हो रहा है। तो बस इतना ही आपको समझना था। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे तो एग्ज़ाम में इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्ज़ाम में, आप समझ लें। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखें, या तो पिछले बार भी पूछ रखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखें, तो ये आपको एग्जाम्पल जरूर याद रहना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। फिर ये आ सकता है कि रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखें, और डेफिनेशन लिख अगर आपको लिखने आया तो एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ये आपको इक्वेशन दे दिया, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको पूछेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, उपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों को अच्छे से करें और बार बार इनको रिविज़न करेंगे तो एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर पाएंगे अच्छे तरीके से। मेन चीज़ क्या है, आपको रिविज़न कई बार करना होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी और बताएं कि कैसा यहाँ पर पढ़ाई होता है, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़े और हमें पढ़ाने में और ज़्यादा अच्छा लगे। तो पहले हम आपको केमिस्ट्री का सारा सिलेबस कराएंगे, केमिस्ट्री का ज़्यादा सिलेबस है नहीं, कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री का सारा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, यहाँ पर सारा साइंस का सिलेबस कराएंगे। साइंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होता है अगर आप उनको एग्जांपल के साथ अपने इन्वायरमेंट में उसको रिलेट करके पढ़ें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।